दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन बॉस चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को। जीके, संस्कृत और करंट इश्यूज के हर टॉपिक्स, हर टेक्निक्स और हर टिप्स आपको मिलेंगी सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस का। दोस्तों आज हम बात करेंगे अलंकारों की। अलंकार यानी आभूषण, साहित्य में इनका क्या महत्व है कि जहां जहां अलंकार होते हैं वहां वहां क्या होता है, चीजें सुशोभित होती हैं। वही साहित्य साहित्य में है, साहित्य में जहां अलंकार है तो इससे साहित्य सुशोभित होता है, यानी पढ़ने वाले को आनंद की प्राप्ति के लिए अलंकारों का उपयोग किया जाता है। ये अलंकारों के बारे में छोटी सी जानकारी है। अब कंपटीशन में क्या होता है, सीधे अलंकार आते हैं, यानी कि अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, इस प्रकार अलंकारों के नाम है और इनसे संबंधित सवाल सीधे सीधे आते हैं। उदाहरण लक्षण ये पूछ लेता है, या फिर अलंकारों के बेस से, या अलंकारों के इंटरनल बेस से सवाल पूछता है। सबसे पहले हम आज देखेंगे अनुप्रास अलंकार। इसका जो लक्षण है सीधा सीधा है, अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्यगत, यानी शब्दों की समानता है ना, वैषम्य अपि स्वरस्यगत और स्वरों की विषमता, दो चीजें हैं। इन दो चीजों को अगर समझ लोगे तो लक्षण याद हो जाएगा। इसी प्रकार हर अलंकार की अपनी अलग विशेषता है जिस पर उसका लक्षण आधारित है, ठीक है। और इसके अलावा भी वो विशेषता है जो मैंने अपने अपने हिसाब से बना रखी है ताकि आपको याद रह जाए, वो भी मैं आपको इनमें बताता चलूंगा। तो अनुप्रास समझने के लिए आइए मेरे साथ चलिए क्लासरूम की तरफ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोस्तों शुरू कर रहे हैं अलंकार, है ना। अलंकारों के बारे में मैंने आपको बताया क्या होते हैं कि ये जो काव्य है उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, और हम देखेंगे आज अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास है ना, देखो पहली चीज ये है अनुप्रास में कि क्या होता है कि शब्द रिपीट होते हैं इसमें, है ना, वर्णों की जो है रिपीटेशन होता है और साथ साथ कोई ना कोई शब्द भी इसमें रिपीट होता रहता है। तो लक्षण जो है इसका देखो ये रहा, ये लक्षण है इसका, ये लक्षण क्या कहता है, अनुप्रास है शब्द साम्यम, यानी इसमें शब्दों की समानता होती है, ठीक है। वैषम्य अपि स्वरस्यत, और जहां स्वरों की विषमता हो, दो चीजें हैं, शब्दों की तो साम्यता हो और स्वरों की विषमता हो, यानी कि व्यंजन इसमें साम्य या समान हो सकते हैं, ये चीज इसमें ये कहना चाहता है ना। तो अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्यत, ठीक, यानी स्वरों की विषमता हो सकती है इसमें, है ना, लेकिन ये अनिवार्य नहीं, एक चीज और ध्यान रखने की बात है। और वर्णों की इसमें समानता होती है ना, ठीक है। अब स्वरों की विषमता होती है इसका मतलब क्या होता है, व्यंजनों की साम्यता होती है, ठीक है, ये इसका कहने का अर्थ है। उदाहरण से आप समझो इसको कि जैसे एक उदाहरण है, ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये प्रार्थना आप सभी ने पढ़ी होगी। देखो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये सभी ने प्रार्थना पढ़ी है ना, ये चार लाइन इसी तरह चलती है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रोणम त्वमेव, है ना, इस तरह से। अब इसमें देखो एक तो तय वर्ण, दूसरा व्यय वर्ण, तीसरा है ना ये दय वर्ण, है ना, द्रविणम त्वमेव, है ना, लास्ट में जाके लगता है, फिर साथ साथ एक ये पूरा शब्द त्वमेव, ये शब्द क्या हो रहे हैं कि बार बार इसमें रिपीट हो रहे हैं। अनुप्रास का मतलब ही ये होता है कि इसमें रिपीटेशन होता है। ऐसा अन्य छंदों में भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं जो इनको उनसे अलग करती हैं, वहीं हम इनकी पहचान को पकड़ लेंगे। फिलहाल अपन अनुप्रास पढ़ रहे हैं, तो अनुप्रास पढ़ो, जब आप आगे के छंद पढ़ोगे जिनमें करीब करीब यही लक्षण रिपीट होंगे तो मैं वहां आपको बताता जाऊंगा साथ साथ कि अनुप्रास में भी रिपीट हो रहे थे, यहां भी रिपीट हो रहे हैं, लेकिन फर्क कैसे पकड़ेंगे हम, ठीक है, वो चीज समझना जरूरी है, तभी अपन नहीं बता पाएंगे कि इस छंद में ये पकड़ इस छंद की है और इस छंद के ये उदाहरण है। तो उदाहरण है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रोणम त्वमेव, है ना, इसमें क्या है कि ये छंद जो है इसमें ये सॉरी ये अलंकार इसमें अनुप्रास है, बार बार छंद नाम आ रहा है, छंद खत्म किया ना इसलिए। अच्छा एक चीज और देख लो कि अनुप्रास में शब्दों की समानता और स्वरों की विषमता, इसका मतलब क्या है, व्यंजनों की साम्यता, ये सवाल कई बार पकड़ लेता है। ये इस सवाल का मतलब ये हो जाता है कि ये साफ साफ ये कहता है कि यहां व्यंजनों की समानता होगी अथवा नहीं, इस तरह पूछेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि व्यंजनों की समानता इसमें या साम्यता इसमें होगी, ठीक है, ये अनुप्रास है। तो
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें एक ऊपर बेल आइकन लगा हुआ है, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे वीडियो सबसे पहले पहुंचेंगे आपके पास। दोस्तों लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें और ना ही शेयर करने में करें, क्योंकि इससे बड़ी समाज सेवा संस्कृत वाले भाई बहनों के लिए नहीं हो सकती। और दोस्तों मैं बताऊं आपको कि संस्कृत एक बहुत ही विस्तृत अपने आप में लैंग्वेज है। हर स्टेट का सिलेबस अलग है, हर स्टेट में टॉपिक्स अलग हैं। तो आप मैक्सिमम कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ताकि मैं अगला वीडियो जो है उस टॉपिक पे बना सकूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही किसी वीडियो के साथ मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।